दो प्रतिमा से लेकर के ऊपर के सभी लोग 16वें स्वर तक जा सकते हैं, मनुष्य नहीं। त्रियंश भी यदि पंचम स्थान वर्ती है तो त्रियंश भी 16वें स्वर तक जाता है, नहीं जा सकता। वो गलत लिखा है कि हिंदी में किसी ने लिख दिया हो। चौथा गुण स्थान वर्ती 12वें गुण स्थान तक, और चौथा गुण स्थान वर्ती का गुण स्थान नहीं, चतुर्थ वाला जो कुलाचार पालन करने वाला है, और पंचम गुण स्थान वर्ती का पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं, 12 व्रतों को पालन करने वाला मिथ्या दृष्टि भी है तो भी 16वें स्वर तक जाएगा। मुनि महाराज सर्वार्थ सिद्धि के जो 9वें गृहवेग तक हैं, मुनि महाराज बाद से हैं, भाव से वो मिथ्या दृष्टि भी है, अभव भी है, तो भी 9वें गृहवेग तक जा सकते हैं। तो 12 व्रतों का पालन करना है, गुण स्थान से मतलब नहीं है। मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, और वो दो प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करता है तो वो भी 16वें स्वर तक जा सकता है, पंचम काल में भी हमेशा।